नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आ जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से ऑनलाइन आइए आप लोग, और ऑनलाइन आने के बाद सबसे पहला काम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम रुके हैं। जब तक वीडियो लाइक नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आज पहले वीडियो को लाइक करिए। इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, आप लाइक नहीं करते हो, तो वीडियो को तुरंत लाइक करिए, पहला काम। और फिर बताइए कल कहाँ तक हुआ था। कल हमने नागरिकता में कहाँ तक पढ़ा था, जल्दी से बताइए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। कल नागरिकता में कहाँ तक हुआ था? नागरिकता ख़त्म हुआ था, बाकी था अभी कुछ। लाइक करो वीडियो जल्दी से। आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हैं? केवल बटन प्रेस ही तो करनी है। आज मैं ये चाहता हूँ वीडियो ख़त्म होने के बाद जितने व्यूज हो उतने लाइक होने चाहिए, बराबर के। कहाँ तक हुआ था? आर्टिकल 11 तक। ठीक, हमने आर्टिकल 11 तक कर बात कर ली थी। हमने नागरिकता पढ़ गए थे, संविधान का भाग दो, और उसमें जो नागरिकता है संविधान के भाग दो का सिटीजनशिप है, उसमें हमने आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक की बात कर ली थी। अगर हम लोग एक बार 2 मिनट के लिए रिवाइज करना चाहें, तो हमने आर्टिकल 5 में अगर पढ़ा था तो क्या था आर्टिकल 5? आर्टिकल 5 कहता था, नागरिकता की व्याख्या करता था। आर्टिकल 5 नागरिकता की व्याख्या करता था, ठीक, कि कौन कौन भारत का नागरिक होगा। उसके आधार पे मैंने बताया था, चार श्रेणियों में बांटा गया था भारतीय नागरिकों को। ठीक, एक तो था जिसका जन्म मूल रूप से हो, जन्म रूप से हो, भारत में हुआ हो संविधान के निर्माण के बाद या उससे पहले, एक कंडीशन ये थी। दूसरा हमने बताया था जो आर्टिकल 6 था, और मैंने बताया था कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हों, इनके संबंध में था आर्टिकल 6। अगर आर्टिकल 7 की बात करें तो हमने बताया था कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए थे परंतु पाकिस्तान से पुनः वो भारत लौट आए थे, उनके बारे में था। और आर्टिकल अगर 8 की बात करें, ये हुआ 6 हुआ 7 हुआ। अगर आर्टिकल 1 की बात करें तो आर्टिकल 8 में मैंने क्या बताया था, जो व्यक्ति भारत से बाहर रह रहे हों उनके बारे में कब बताया था। अगर आर्टिकल 9 की बात करें तो आर्टिकल 9 में मैंने बताया था कि नागरिकता को समाप्त करने के लिए जो कुछ अधिकार है संसद के पास, तो उसका बात किया था किसमें, आर्टिकल 9 में। और अगर आर्टिकल 10 की बात करें तो आर्टिकल 10 क्या था, आर्टिकल 10 था कि संसद यदि किसी की नागरिकता को छीनती है तो वह विधि के अनुसार एक कानून बनाकर विधि के उपबंधों का प्रयोग करते हुए ही किसी की नागरिकता संसद छीन सकती है, ऐसा आर्टिकल 10 में लिखा गया है। ठीक, ये भी बात की थी हमने। और अंतिम में हमने चर्चा की थी आर्टिकल 11 के बारे में, अनुच्छेद 11 के बारे में, और हमने बताया था कि संसद को यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति की नागरिकता अर्जन से लेकर नागरिकता समाप्ति तक, या फिर कहें कि नागरिकता संबंधित कोई भी कानून बनाने का अधिकार कौन रखता था, भारतीय संसद रखती थी। बात क्लियर है यहाँ तक? तो हमने ये बात की थी 6 आर्टिकल की, ये 5 से लेकर 11 तक, और यही हमारा भाग दो है। लेकिन इसके साथ ही हमने बताया कि यदि संसद को यह अधिकार मिल गया वह नागरिकता किसी को दे सकती है या किसी की नागरिकता छीन सकती है, तो अब संसद क्या करेगी, नागरिकता संबंधित कानून बनाएगी। और इसी के तहत जो सबसे पहला नागरिकता संबंधित कानून बनकर आया था वो आया था 1955 में, और उसे कहा गया नागरिकता अधिनियम 1955। तो आज हम बात करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 की। अब तक सबका लाइक आ चुका है ना? लाइक आना चाहिए सबका। तो हम बात करेंगे किसके बारे में, नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। और आप जानते भी हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार संशोधन हुआ है, 6 बार टोटल हुआ है।
ये संशोधन हुआ 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और लास्ट ईयर हुआ 2019 में। जो 1955 का नागरिकता अधिनियम था उसमें कुल कितने बार संशोधन हुए, तो 6 बार हुए। और इसमें से सबसे ज़्यादा जिस पर विवाद हुआ वो था नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जब आया CAA। तो आज हम इसके भी बात करेंगे, CAA के बारे में जानेंगे। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नागरिकता अधिनियम 1955। कल का टॉपिक यहीं से छोटा था, तो टॉपिक का नाम हम लिख लेंगे, आप लिखिएगा साथ में, टॉपिक लिखिए, नागरिकता अधिनियम 1955, ये आपकी हेडिंग होगी। ठीक, अब आप पहला पॉइंट लिख सकते हो, आप पहला पॉइंट लिखोगे कि इस अधिनियम में अब तक कुल 6 बार संशोधन किए जा चुके हैं। हम पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, बट आप लोग सुन के बातों को आप सेंटेंस अपने हिसाब से बना लोगे कि इस अधिनियम में अब तक 1955 के बाद अब तक कुल कितने बार संशोधन किए गए, 6 बार संशोधन किए गए। कब कब? पहला हुआ था 1986 में। आप लिखोगे नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन, ये ब्रैकेट में कर देंगे, अधिनियम 1986। देन हुआ 1992 दूसरा संशोधन, तीसरी बार हुआ 2003 में, चौथी बार हुआ 2005 में, पांचवी बार हुआ 2015 में और छठी बार हुआ 2019 में। बात समझ में आई? हमने ये कहा कि नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कुल 6 बार संशोधन हो चुका है, जिसमें से पहला संशोधन हुआ था 1986 में, दूसरा हुआ 1992 में, तीसरा हुआ 2003 में, चौथी बार हुआ 2005 में, फिर 2015, देन 2019। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है ना? तो अब देखिए, जब 1955 का अधिनियम आया, अगर हम अभी केवल 1955 के अधिनियम की बात करते हैं, ये तो हमने बता दिया संशोधन कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कितनी बार हुआ है, अभी बताते हैं कि संशोधन में क्या जोड़ा गया था। अगर हम बात करें कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किस किस प्रकार से माना गया कि कौन कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, तो पहली कंडीशन रखी गई जन्म के आधार पर। आप लिखिएगा जन्म के आधार पर। ठीक, दूसरा रखा गया वंश के आधार पर, वंश के आधार पर। ठीक, तीसरा रखा गया पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण के आधार पर लिख सकते हो, पंजीकरण के आधार पर। चौथा कहा जाता है प्राकृतिक या देशीयकरण के आधार पर। और लास्ट कहा गया भूमि अर्जित या भूमि के अर्जन पर, भूमि अर्जित क्षेत्रों
के आधार पर। तो ये पांच प्रकार के आधार बनाए गए 1955 के नागरिकता अधिनियम में, और कहा गया कि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता तभी पाएगा जन्म के आधार पर जो भी टर्म एंड कंडीशन बनाई गई उस पर अगर खरा उतरेगा तो उसे जन्म के आधार पर भारतीय नागरिक माना जाएगा, उसे वंश के आधार पर भारतीय नागरिक माना जाएगा, उसे पंजीकरण के आधार पर भारतीय नागरिक पाया माना जाएगा, या फिर प्राकृतिक या देशीकरण, यहीं से आया है CAA, इसी में परिवर्तन होकर CAA आया है, इसकी बात करेंगे किसके आधार पर। और लास्ट होता है भूमि अर्जित क्षेत्रों के आधार पर, अर्थात कहने का मतलब है कि यदि किसी भी स्थान पर किसी भी देश का कोई भी क्षेत्र हो, यदि उस पर भारत सरकार अधिकार कर लेती है, अधिग्रहण करती है, तो वहाँ के जो व्यक्ति होंगे, वहाँ के जो निवासी होंगे, वो ऑटोमेटिक भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो ऐसा कहा गया भूमि अर्जित क्षेत्रों के आधार पर। ठीक, बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए कि जो जन्म के आधार पर व्यक्तियों को बनाया गया, जन्म के आधार पर कहा गया कि ये भारत के नागरिक होंगे, अब इसमें जो तारीखें हैं ये थोड़ा सोचने वाली बात है, थोड़ा समझने की बात है कि किन तारीखों के बीच में जन्म होने पर आपको भारत का नागरिक माना जाएगा। यहाँ पे थोड़ी टेक्निकलिटी है। देखिए, आपके वनडे एग्जाम में यह क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आप वनडे का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, लेकिन अगर आप PCS वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हो या जब मेंस दोगे तब आपको यह जानने के लिए या लिखने के लिए आ सकता है, यह डेट पूछी जा सकती है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि कौन कौन व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत के नागरिक होंगे। तो जन्म के आधार पर ये कहा गया कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, कब? 26 जनवरी। ये कहा गया कि जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद, बात समझिए, बात को अच्छे से सुनिए, हम कहना क्या कहते हैं, सुन लो, समझ लो, बात बन जाएगी, नहीं तो ऐसे किताब में लिखा है याद करते रहोगे कभी नहीं याद होगा। देखो, सीधे सीधे लिखा है, यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ हो या ठीक 1 जुलाई 1947 से पहले हुआ हो, बात समझ में आई? कब कब? इसके बाद हुआ है, या तो इसी तारीख को हुआ हो या फिर इसके बाद हुआ हो। और दूसरी डेट रखी गई 1 जुलाई 1947, और इसके कहा गया पूर्व हुआ हो, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, ऐसा कहा गया जन्म के आधार पर। फिर से बात को सुन लो अच्छे से, यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद हुआ हो तथा 1 जुलाई 1947 के पूर्व हुआ हो तो वह भारत का नागरिक होगा। ये पहली कंडीशन रखी गई जन्म के आधार पर। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है ना कि जब कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद जन्म लेगा और 1 जुलाई 1947 के पहले जन्म लिया हो भारत में, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। ठीक, लेकिन अब आपको एक बात समझ में आ रही है कि यदि किसी का जन्म 1 जुलाई 1947 के बाद और 26 जनवरी 1950 के पहले हुआ हो, इन दोनों के बीच में हुआ हो, तो वह व्यक्ति कहाँ जाएगा? सोचने वाली बात है ना, क्योंकि पहली कंडीशन यही कहती है कि इस डेट के बाद वाले होंगे और इस डेट के पहले वाले होंगे, तो ये बीच वाले कहाँ गए? बात समझ में आई? ये बीच वाले, तो जन्म के आधार पर दूसरी कंडीशन लगाई गई। और दूसरी कंडीशन क्या लगाई गई कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म इसके बीच में हुआ हो, 1 जुलाई 1947 के बाद हुआ हो और 26 जनवरी 1950 के पहले हुआ हो, यदि इन इस बीच में, इस टाइम पीरियड में किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, तो वह तभी भारतीय होगा यदि
उसके माता पिता में से किसी एक व्यक्ति भारतीय हो। बात समझ भाई, फिर से सुन लीजिए। ये कहा गया, देखिए बातें बहुत आसान हैं, लेकिन अभी कई डेट आएंगे ना, तो उसी में आप लोग कंफ्यूज होंगे। एक दो डेट होंगी तो आप समझ जाते आसानी से, लेकिन अभी कॉम्प्लेक्स होगा पूरा। हमने ये कहा कि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुआ हो तो वह क्या होगा? भारतीय नागरिक होगा, भारतीय होगा। और कोई व्यक्ति 1 जुलाई 1947 के पहले हुआ हो, ये पहले कह रहे हैं और ये बात कह रहे हैं, तो ये भी कौन होगा? भारतीय होगा। यहाँ तक बात क्लियर है, समझ में भी आ गया होगा। लेकिन हमने ये कहा कि अगर इस टाइम पीरियड के बीच में अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो भारत में, तो वह भारत का नागरिक तभी होगा कि यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, तो वह व्यक्ति क्या होगा? जन्म के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा। बात समझ में आई? यही है इसकी दूसरी कंडीशन। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई है? क्लियर हुई हो तो कमेंट में यस लिखो सब लोग, फिर अगली डेट बताएं, क्योंकि ये बात क्लियर है ना। अब तीसरी कंडीशन जन्म के आधार पर यह बताई गई कि यदि किसी का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो, ठीक, यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो, तो वह भारत का नागरिक तभी होगा जब उसके माता पिता में से यदि दोनों भारतीय हों, या फिर कोई एक भारतीय हो परंतु दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, तो तभी वह भारत का नागरिक होगा। बात समझ में आई? कहने का मतलब है कि यदि 3 दिसंबर 2004 के बाद कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म लेता है, तो उसके माता पिता, पहली कंडीशन ये रखी गई कि माता पिता दोनों क्या हों? भारतीय हों, ठीक। लेकिन अगर ये हो गया कि एक अगर भारतीय है तो दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, अगर ऐसा हुआ कि एक भारतीय है और दूसरा अवैध प्रवासी है, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अगर इसका कोई पुत्र होगा तो, पुत्र या पुत्री जो भी होगी, अगर एक व्यक्ति भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी हो, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। किस डेट के बाद? जिसका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो। तो ये सारी कंडीशन रखी गई जन्म के आधार पर। और एक बात जान लीजिए, थोड़ी कंडीशंस हैं। अगर किसी राजनयिक का बेटा होगा, राजनयिक मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जो देशों के राजदूत होते हैं, इनका अगर कोई पुत्र हुआ, या किसी शत्रु देश का, अगर किसी शत्रु देश का, एग्जांपल में भारत, बांग्लादेश, चीन, इन सब के अगर किसी व्यक्ति का भारत में जन्म होता है, तो उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी जन्म के आधार पर। अगर जैसे मान लीजिए एग्जांपल में आज यूएसए के एम्बेसडर हैं भारत में, और इनके पुत्र का जन्म भारत में होता है, तो इस आधार पर वो भारत के नागरिक नहीं हो सकते जन्म के आधार पर। फिर वो पंजीकरण द्वारा आएंगे या देशीकरण द्वारा भारत सरकार खुद एडॉप्ट कर सकती है, लेकिन जन्म के आधार पर वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये कंडीशन, तीन कंडीशन थी किस पे? जन्म के आधार पर। पहली डेट थी कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारतीय होगा। दूसरी कंडीशन है कि उसका जन्म 1 जुलाई 1947 के पहले हुआ हो तो वह भारतीय होगा, परंतु इन दोनों के बीच में जिसका जन्म हुआ हो वह भारतीय तभी होगा जब उसके माता पिता में से कोई एक क्या हो? भारतीय हो।
और ये फिर मैंने बताया कि यदि किसी का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो तो वह भारत का नागरिक तभी होगा यदि उसके माता पिता दोनों भारतीय हों या फिर कोई एक भारतीय हो तो दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। ये कंडीशन थी जन्म के आधार पर। ये आपके समझने के लिए है कि कौन कौन हो सकता है। किताबों में ये लिखा हुआ है लेकिन किताब में आप समझ नहीं पाओगे, एक लाइन में लिखा हुआ है, दो लाइन में है किताब में। मैंने इसे 5-10 मिनट में अच्छे से इन डेट को समझाया है, ठीक। दूसरा हम चलेंगे किसके आधार पर, मूल के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जो हमारा वंशानुगत क्या है, भारतीय नागरिकता है। और वंशानुगत में क्या कहा गया है, सुन लीजिए समझ लीजिए। वंशानुगत में ये कहा गया कि जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ हो को या उसके बाद हुआ है, ये डेट ये भी काउंट होती है, दोनों डेट काउंट होगी ये जान लो। इस डेट को भी अगर कोई जन्म हुआ हो तो भी काउंट होगा। इसीलिए किताब में लिखा होता है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ हो तो, परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व हुआ हो, परंतु 10 दिसंबर 1992 के पूर्व हुआ हो तो वह भारत का नागरिक वंश के आधार पर माना जाएगा। कहाँ तक, 10 दिसंबर 1992। इसके बाद कहने का मतलब है कि इस डेट से इस डेट के बीच में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है, ठीक, तो वह भारतीय नागरिक होगा। वह क्या होगा, भारतीय नागरिक होगा। बात समझ में आई, उसका जन्म कहाँ हुआ हो, भारत या उसके बाहर, जन्म होगा तब तो बात अलग है। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, हम मूल वंश के आधार पर बता रहे हैं, एक मिनट फिर से सुनिए। सब कुछ करेक्ट है लेकिन बस भारत नहीं करना था, भारत के बाहर करना था। देखिए जन्म के आधार पर तो भारत में जन्म के आधार पर दे ही रहा है भारत। यहाँ देखिए क्या कह रहे थे हम, ये कह रहे थे यदि किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद या 10 दिसंबर 1992 के पहले, जन्म कहाँ हुआ हो, भारत के बाहर हुआ हो, ठीक, उसका जन्म कहाँ हुआ हो, भारत के बाहर हुआ हो, तो वह भारत का नागरिक होगा। कंडीशन बस एक है कि उसका जो पिता हो, दिमाग पता नहीं कहाँ था, उसका पिता क्या हो, भारतीय नागरिक हो। फिर से हम बता रहे हैं क्योंकि पहली बार में हमने जन्म वाला बता दिया था। फिर से बात सुनिए, हमने कहा वंश के आधार पर भारतीय नागरिक कोई तभी हो सकता है जब उसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ हो और 10 दिसंबर 1992 के पहले हुआ हो। यदि उसका जन्म भारत से बाहर हुआ हो तो वह भारत का नागरिक तभी होगा जब उसका पिता भारतीय नागरिक हो। बात समझ में आई, यही होता है वंश के आधार पर, वंशानुगत, इसी को क्या कहते हैं, वंशानुगत, कि पिता का भारतीय होना कंडीशन है। बात समझ में आई कि पिता भारतीय होना चाहिए तभी इस डेट में अगर किसी का जन्म भारत से अलग किसी भी देश में हुआ हो तो वह भारतीय ही माना जाएगा। तो ये होता है किसके आधार पर, वंश के आधार पर। तीसरा होता है पंजीकरण के आधार पर। तीसरा क्या होता है, पंजीकरण के आधार पर। और आपको पता होगा कि पंजीकरण की पहले तिथि क्या थी, टाइम पीरियड क्या था, 6 माह था, और उसे बाद में बढ़ा दिया गया था और कर दिया गया कितने वर्ष, 5 वर्ष। इसी को बढ़ा के कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। तो पूछा जाता है पंजीकरण के आधार पर, तीसरा था पंजीकरण के आधार पर पूछा जाता है कि पहले कब था, शुरुआत में 6 महीने, कि यदि भारत में कोई व्यक्ति आता है और वो केवल 6 महीने रुकता है
तो 6 महीने बाद वह पंजीकरण कराकर भारत का नागरिक बन सकता है। ये प्रावधान किया गया था संविधान की जब ये 1955 का अधिनियम आया था, ठीक। लेकिन हमने बताया कि 1986 में क्या हुआ था, इसमें संशोधन हुआ था ना, 1986 में क्या हुआ, इसी में संशोधन किया गया था, ठीक। और संशोधन करके क्या किया गया कि जो ये 6 महीने था इसे बढ़ा के 5 वर्ष कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। बात क्लियर है। हमने पहले बताया जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, तीसरी बात की हमने पंजीकरण के आधार पर। और आपको पता है कि पंजीकरण कराकर कोई भी व्यक्ति भारत में रहे कुछ वर्षों तक, कुछ समय तक, और उसके बाद पंजीकरण रजिस्ट्रेशन द्वारा वह भारत का नागरिक बन जाएगा। लेकिन जब 1955 का अधिनियम आया था तो भारत में रहने की मिनिमम कंडीशन लगाई गई थी 6 महीने। उसे पहले 6 महीने लगातार भारत में रहना होगा तभी वो रजिस्ट्रेशन द्वारा भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन जब इसी अधिनियम में 1986 का संशोधन हुआ तो उसके तहत यह जो 6 महीने था इसी को बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। बात क्लियर है यहाँ पर, यहाँ तक बात क्लियर है ना, ठीक। और चौथा होता है देशीकरण द्वारा। चौथा क्या होता है, देशीकरण द्वारा। यहाँ तक बात क्लियर है ना, भला बताइए जल्दी से, यहाँ तक क्लियर। चौथी कंडीशन हमने बताई देशीकरण या प्राकृतिक। तो ये जानिए कि भारत सरकार किसी व्यक्ति को देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर किसी व्यक्ति को नागरिकता दे सकती है, ऐसा कहा गया है। देशीकरण या प्राकृतिक, जो प्राकृतिक के आधार पर या देशीकरण के आधार पर, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं, जैसे कुछ एलिजिबिलिटी मांगी गई है। किसमें, देशीकरण में। देशीकरण या प्राकृतिक, देखिए इसमें सबसे पहला ये काम कहा गया जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, एक कंडीशन लगाई गई को उसी देश के व्यक्ति को भारत में देशीकरण या प्राकृतिक के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी यदि उसके देश में यह व्यवस्था लागू हो तो। बात समझ में आई, कहने का मतलब है, एग्जांपल सुनिए, जैसे हम कह रहे हैं दक्षिण अफ्रीका, जैसे दक्षिण अफ्रीका का ए व्यक्ति हो और इसे भारत सरकार नागरिकता देना चाहती हो, किसके आधार पर, देशीकरण द्वारा। तो भारत सरकार यह तभी देगी यदि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में भी देशीकरण हो, तभी भारत सरकार देशीकरण के आधार पर इस व्यक्ति को क्या देगी, नागरिकता देगी। एक तो ये कंडीशन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और कंडीशन रखी गई हैं, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए और मतलब वो क्या कहते हैं, कोई भी क्रिमिनल वर्क कार्य ना किया हो, ये सब जो कंडीशंस हैं। तो देखो ये कुल मिला के संसद के ऊपर डिपेंड करता है। और एक कंडीशन लास्ट में ये भी लगाई गई है कि ये भी कहा गया है इसमें कि जो संविधान की 22 भाषाएं हैं, जो संविधान में वर्णित 22 भाषाएं हैं, उनमें से किसी एक भाषा का वह ज्ञाता हो, किसी एक भाषा का ज्ञाता हो, तभी उसे देशीकरण या प्राकृतिक के आधार पर नागरिकता भारत की प्रदान की जाएगी। तो ये सारे प्रावधान किए गए। लेकिन इसके साथ ये भी कह दिया गया कि यदि किसी व्यक्ति में कुछ विशेष बातें होंगी, कुछ विशेष बातें व्यक्ति, यदि वह विज्ञान के प्रति, शिक्षा के प्रति, ठीक, शिक्षा के प्रति, साहित्य के प्रति,
इन सब में अगर कोई विशेष उपलब्धि होगी किसी व्यक्ति के पास, तो ये सारी जो कंडीशंस लगाई गई हैं देशीकरण में, ये सब समाप्त भी की जा सकती हैं। उसके लिए ये सारी कंडीशंस हटाई भी जा सकती हैं, ऐसा कहा गया है देशीकरण या प्राकृतिक में। बस समझ में आई, यहाँ तक बात क्लियर है ना। और पांचवा मैंने बताया क्या, भूमि अर्जित के आधार पर। पांचवा हमने क्या बताया, भूमि अर्जित के आधार पर। और वो कैसे, आपको पता होगा 1962 में भारत ने फ्रांसीसियों से प्राप्त किया था पुडुचेरी को। कब, सन 1962 में, ठीक, भारत सरकार ने प्राप्त किया किसे, पुडुचेरी को। और जैसे पुडुचेरी भारत का हिस्सा बना, तो ऑटोमेटिकली जो पुडुचेरी के लोग थे वो कहाँ के निवासी हो गए, भारत के निवासी हो गए, भारतीय नागरिकता मिल गई किसे, यहाँ के पुडुचेरी में रहने वाले लोगों को, जो कि इसके पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, फ्रांसीसियों का, फ्रांस का हिस्सा था पुडुचेरी था। तो बात यहाँ तक क्लियर हुई। आप जानते भी होंगे पुडुचेरी में चार जिले हैं टोटल, और चारों जिले तीन राज्यों में स्थित हैं पुडुचेरी, और यही है भारत का सबसे छोटा ज़िला। ये क्या आप लोग कमेंट सेक्शन बता सकते हो पुडुचेरी के कुल कितने ज़िले हैं और वो किस किस राज्य में स्थित हैं। हम बता दे रहे हैं चार ज़िले हैं टोटल, कमेंट सेक्शन में सबका आंसर आए। टोटल चार ज़िले हैं, चारों ज़िलों का नाम लिखना, उसके आगे वो किस राज्य में वैरी करता है, ठीक, और फिर इसमें से बताना कि सबसे छोटा ज़िला कौन सा है। बस समझ में आई, भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी जिसमें कुल चार ज़िले हैं, लेकिन वो चार ज़िले तीन अलग अलग राज्यों में हैं। ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। ठीक, तो ये बात की गई नागरिकता अधिनियम 1955 में, लेकिन इसके बाद जानिए कि जो नागरिकता अधिनियम 2003 आया था और 2005, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, नागरिकता अधिनियम 2003, हेडिंग डालिएगा नागरिकता अधिनियम 3, आप लोग 3 लिखिएगा, 2003। इसमें कुछ विशेष प्रावधान किए गए नागरिकता अधिनियम 2003 में। एक कार्ड बनाया गया, पहले 3 में बनाया गया, फिर 5 में बनाया गया, और फिर अभी बताएंगे कि 2015 में ख़त्म भी कर दिया गया। तो जो 2003 का अधिनियम है संशोधन था, 2005 का था, 2015 का था और 2019 का था, यही चार टॉपिक होगा इसमें। तो 2003 का जो अधिनियम था, जो 2003 में एक समझ लीजिए वो हुआ था, क्या कहते हैं, संशोधन हुआ था, तो 2003 के संशोधन में एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था लक्ष्मीकांत सिंघवी। नाम की एक कमेटी बनाई गई, एक आयोग बनाया गया, और इसी आयोग की सिफारिश पर एक कार्ड बनाया गया जिसे कहा गया PIO कार्ड। इसका फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या हिंदी में कहा जाता है भारतीय मूल के व्यक्ति
कार्ड। ठीक, तो ये बनाया कब गया, जब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 आया था, 55 वाले में ही संशोधन किया जा रहा है। तो एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था लक्ष्मीकांत सिंघवी कमेटी, और उसने एक कार्ड बनाया जिसे कहा गया PIO कार्ड या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड, उसे हिंदी में कहा गया भारतीय मूल के व्यक्ति। ठीक, तो ऐसा एक कार्ड बनाया गया और अलग से कुछ नागरिकता प्रावधान किया, समझ लो दोहरी नागरिकता देने की बात कही गई किसी अन्य देशों के व्यक्तियों के लिए, एक विशेष सुविधा प्रदान की गई इस एक्ट में। ठीक, तो वह किन किन देशों के लिए थी, इससे क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है, पहली चीज कि किस संविधान, किस संशोधन के तहत या किस वर्ष नागरिकता संशोधन 1955 में संशोधन करके PIO कार्ड बनाया गया था, तो 2003 में बनाया गया था। किस में संशोधन किया गया था, 1955 वाले में किया गया था। किस समिति के आधार पर किया गया था, तो लक्ष्मीकांत समिति के आधार पर किया गया था। तो इसमें जो पात्र राष्ट्र थे कि किन किन देशों के लिए अप्लाई होगा, तो ये जानिए कि भारत के जितने पड़ोसी राज्य हैं, सॉरी देश हैं, भारत के जितने पड़ोसी देश हैं इन पर यह लागू नहीं होगा। और कौन कौन है आपको ही पता होगा, सब लोग कमेंट में लिखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये तो रहेगा ही, चीन, इनका भी कंफर्म है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो ये सारे देश थे जो, जहां क्या कहा गया कि इन देशों के व्यक्ति PIO कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि म्यांमार को नहीं डाला गया है, म्यांमार को नहीं शामिल, मतलब ये PIO कार्ड ये लोग बनवा सकते हैं, तो केवल ये देश, कौन कौन से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। और ऐसा कहा गया 2003 में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश व श्रीलंका को छोड़कर विश्व के का कोई भी देश PIO कार्ड बनवा सकता है। बात समझ में आई, मैंने एक बार बताया कि जितने पड़ोसी देश थे, लेकिन पड़ोसियों में से म्यांमार को छोड़ देना आप लोग, बात क्लियर है यहाँ से, तो ये एलिजिबल नहीं है, बाकी विश्व का कोई भी देश है वो PIO कार्ड बनवा सकता था। किसके तहत, 2003 के तहत। अब PIO कार्ड की ज़रूरत क्या पड़ी, इसके क्या फ़ायदे हैं, पहली बात जानिए कि PIO कार्ड बनवाने के लिए, PIO कार्ड जो बनता था वो 15 वर्षों के लिए बनता था, पहली बात जानिए। और दूसरी बात, इसको बनवाने के लिए जो शुल्क लगता था, ये भी पूछा गया है एक बार एग्जाम में, इसीलिए बता दे रहे हैं। और एक बात जान लीजिए, PIO कार्ड आज के टाइम पर ख़त्म हो चुका है, जितना ये पढ़ रहे हैं हम लोग बाद में पता क्या चलेगा, PIO कार्ड आज के टाइम पे ख़त्म हो चुका है, लेकिन कभी हमारे सिलेबस में, हमारे संविधान में जुड़ा है, इसीलिए पढ़ना आवश्यक है। तो PIO कार्ड जो बनवाया गया, ये सर्विस आई, इसका जो शुल्क रखा गया कि अगर कोई एडल्ट होगा, वयस्क होगा, तो उसे 15,000 रुपये पे करने होंगे, और कोई अगर 18 वर्ष से कम होगा तो उसे 7,500 रुपये पे करने होंगे। और ये जो PIO कार्ड बनेगा, यह 15 वर्षों के लिए बनेगा। कितने वर्षों के लिए बनेगा, 15 वर्षों के लिए बनेगा। दूसरी बात आती है, इसके फायदे क्या क्या हैं, तो फायदों में ये कहा गया, सबसे पहली बात कही गई कि जिसके पास PIO कार्ड होगा उसे भारत की यात्रा करने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी। ये सबसे पहला प्रावधान किया गया, आवश्यकता नहीं। कहने का मतलब कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका,
के अलावा विश्व का कोई भी देश होगा यदि भारत आता है और उसके पास PIO कार्ड होगा तो उसे वीजा की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये पहला प्रावधान किया गया। दूसरी बात कही गई कि यदि वह व्यक्ति 180 दिन से कम रहता है भारत में, ठीक, अगर वह व्यक्ति 180 दिन से भारत में कम रुकता है तो उसे किसी प्रकार का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाना है, पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं करवाना है, जो स्थानीय पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन होता है वो भी कराने की ज़रूरत नहीं है अगर किसी के पास PIO कार्ड होगा, ठीक। और जो NRI कोटा होता है NRI कोटे के साथ तहत इन्हें शिक्षा का अधिकार भारत में, बैंकों में खाता खोलने का अधिकार, वित्तीय अधिकार, आर्थिक अधिकार भी दिए जाएंगे NRI कोटा के तहत किसे, PIO कार्ड होल्डर को। बात क्लियर है यहाँ तक? मैंने बताया कि नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया 2003 में, एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था लक्ष्मीकांत सिंघवी कमेटी, और उस कमेटी ने एक कार्ड बनाया जिसे कहा गया PIO कार्ड, या PIO का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति नामक एक कार्ड बनाया गया। यह कार्ड लगभग 15,000 वयस्कों के लिए और जो बच्चे थे 18 वर्ष से कम थे उनके लिए 7,500 रुपये में 15 वर्षों के लिए कार्ड बनाया गया। उसके फायदे क्या क्या हुए, उन्हें कभी भी भारत आना हो अगले 15 वर्षों तक तो उन्हें किसी प्रकार की वीजा की आवश्यकता नहीं है। 180 दिन से कम अगर रहना है तो भारत में कोई किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, ना ही पुलिस से कोई वेरिफिकेशन कराना है, ठीक। और अगला सुविधा इनको दी गई कि NRI कोटे के तहत इन्हें शिक्षा का अधिकार, वित्तीय अधिकार, आर्थिक अधिकार प्रदान किए गए, परंतु PIO कार्ड होल्डर को मताधिकार व चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया। कहने का मतलब है किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का छूट नहीं दिया गया किसे, PIO कार्ड होल्डर को। या बात यहाँ तक क्लियर है? फिर हम आएंगे कहाँ पर, नागरिकता अधिनियम 2005 में। इतने बातों को समझ में आया? ये बातें क्लियर हुई, PIO की बात, एलिजिबल देश कौन कौन से थे, तो मैंने बताया चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश को छोड़कर अन्य किसी भी देश का व्यक्ति होगा वो PIO कार्ड बनवा सकता है 2003 में, नहीं तो बात कहोगे अभी नहीं बन सकता, ख़त्म हो चुका है PIO कार्ड, फिर यही सोचोगे पढ़ने का फ़ायदा क्या है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं तो पढ़ने का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि एग्ज़ाम में आएगा आपके, ठीक। तो जब नागरिकता अधिनियम 2005 आया, जब नागरिकता अधिनियम 2005, कहने का मतलब है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में पुनः संशोधन किया गया, कब, 2005 में, तो एक नया कार्ड बनाया गया जिसे कहा गया प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड, जिसे कहा गया प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड। बात समझ में आई? नागरिकता अधिनियम 2005 के तहत प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड बनाया गया जिसे इंग्लिश में कहते हैं OCI कार्ड। सेम वहाँ भी यहाँ भी दो क्वेश्चन आते हैं इससे, एक तो पात्र राष्ट्र कौन से होंगे, ठीक, और दूसरी बात कही गई कि इसके भी फायदे क्या होंगे, ठीक। तीसरी बात होती है अगर हम लिखते हैं कहीं शुल्क क्या लगेगा, तो शुल्क जान लीजिए पहले, अगर कोई व्यक्ति OCI कार्ड बनवाने आता है
तो उसे $275 अमेरिकी डॉलर देने होंगे OCI कार्ड के लिए, ठीक। परंतु यदि वह व्यक्ति PIO कार्ड होल्डर है तो उसे केवल $25 देने होंगे। बात समझ में आई कि यदि कोई व्यक्ति OCI कार्ड बनवाने आएगा तो उसे $275 पे करने होंगे, ठीक। और यदि वह पहले से PIO कार्ड होल्डर है और वह OCI कार्ड होल्डर बनवाना चाहता है तो उसे $25 देना होगा, ठीक। ये कहा गया। दूसरी बात है कि पात्र राष्ट्र में तो कहा गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर विश्व का कोई भी देश होगा वो OCI कार्ड बनवा सकता है, बस वह व्यक्ति पाकिस्तान और बांग्लादेश का नहीं होना चाहिए। ऐसा कहा गया 2005 के अधिनियम में। और फायदे क्या कही गई इसमें? फायदा ये हुआ कि जो PIO कार्ड 15 वर्ष के लिए बनता था, वह कार्ड ये आजीवन बनने लगा। अब देशों को भारत की यात्रा करने के लिए किसी प्रकार की वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी अगर उसके पास OCI कार्ड होगा तो। बस वह व्यक्ति पाकिस्तान और बांग्लादेश का नहीं होना चाहिए, ये पहली बात कही गई, ठीक। और दूसरी बात कही गई कि उसे भी एनआरआई कोटे से भारत में शिक्षा का अधिकार, बैंकों में खाता खोलने का अधिकार, आर्थिक सहायता, वित्तीय सहायता, ये सब प्राप्त कर लेगा कौन? वो OCI कार्ड होल्डर भी। ऐसा कहा गया 2005 के अधिनियम में। लेकिन यहाँ भी एक बात कही गई कि उसे मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। किसे? OCI कार्ड होल्डर को। तो ये दो बातें हुई। 2003 में PIO कार्ड आया, उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान और श्रीलंका को क्या किया गया? इन्हें रोका गया कि ये PIO कार्ड नहीं बनवा सकते हैं, और OCI में केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश को रोका गया। लेकिन इसके बाद 2011 में संसद ने ये कहा, संसद में एक प्रस्ताव गया कि जो PIO कार्ड है और OCI कार्ड है, इन दोनों का विलय कर दिया जाए। तो इसके बाद हमने बताया, बस लास्ट पॉइंट होगा जो अधिनियम, बस 5 मिनट और। ये जानिए कि 2015 में किया क्या गया। नागरिकता भाग दो का ये लास्ट टॉपिक होगा। देखिए 2015 के अधिनियम में ये कहा गया, सॉरी ये प्रस्ताव गया था 2011 में संसद में एक प्रस्ताव गया, और वो प्रस्ताव क्या था कि जो PIO है और एंड OCI है, इन दोनों का क्या कर दिया जाए? विलय कर दिया जाए। ऐसा 2011 में एक प्रस्ताव जाता है। और फिर जो 2015 का अधिनियम आता है नागरिकता से संबंधित, इसमें क्या किया गया? PIO कार्ड को ख़त्म कर दिया गया। इसमें क्या किया गया? PIO को ख़त्म कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और PIO की जगह अब एक ही चीज़ चलती है जिसे कहते हैं OCI कार्ड। प्रेजेंट टाइम में कौन सा कार्ड बनाया जाता है? OCI कार्ड। तो ये होता है 2015 के नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अधिनियम में, जिसका संशोधन किया गया 2015 में। तो यहाँ तक बातें क्लियर हुई। हम आ गए 2015 पर। अब जिसे पढ़ने के लिए आप बहुत आतुर होंगे, और वो है 2019 का अधिनियम।
हम उसकी थोड़ी सी बस रूपरेखा बताएंगे और बताएंगे कि हम इस चीज़ों को क्लियर कैसे करेंगे। देखिए, अब आप लोग पढ़ना चाहते होंगे कि 2019 का जो अधिनियम आया था और उसके तहत CAB क्या है, CAA क्या है, ठीक, NRC क्या है, ठीक, और इनर लाइन परमिट INR क्या है, 7th शेड्यूल क्या है, 7th शेड्यूल मतलब 7वीं अनुसूची, ठीक, और पूर्वी राज्यों का इससे क्या विवाद है, जो हमारे पूर्वी राज्य हैं, क्योंकि आपको पता होगा CAA का सबसे ज़्यादा विरोध कहाँ पे हुआ था, पूर्वी राज्यों में हुआ था, और वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ, असम में। तो इसके लिए, इस एक्ट के लिए, इस अधिनियम के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल बात करूंगा पूर्वी भारत की, और वहाँ पर देखेंगे। देखिए, इसको समझने के लिए आपको बांग्लादेश का युद्ध जो 71-72 में हुआ था, बांग्लादेश का जन्म, वो समझना ज़रूरी है, तभी आप NRC समझ पाओगे, तभी आप इनर लाइन परमिट के बारे में समझ पाओगे, ठीक, इनर लाइन परमिट कि इनमें कौन कौन से राज्य हैं, मणिपुर को लेकर इसके क्या विवाद हैं, क्यों असम के सारे क्षेत्रों को इनर लाइन परमिट में, सॉरी, 7th शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया, क्यों बांग्लादेश से निकलने वाले शरणार्थी जाकर असम में रुकते हैं। तो ये जो सारा विवाद था CAA का, NRC का, इनर लाइन परमिट का, 7th शेड्यूल का, CAB का, और पूर्वी राज्यों को लेकर इनसे क्या संबंध है, ये एक अलग वीडियो में आएगा। तो 2019 का जो अधिनियम है नागरिकता से संबंधित, ये एक अलग वीडियो में जाएगा, जो पूर्वी राज्यों का CAA से या NRC से संबंध होगा। तो यहाँ तक संविधान का भाग दो, जो नागरिकता था आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, ये कंप्लीट हो चुका है, और उससे संबंधित जितने भी अधिनियम आए थे 1955 में नागरिकता अधिनियम आने के बाद, 82 का, 86 का, 92 का, 2003 का, 2005 का, 2015 का और 2019 का, इन संशोधनों के बारे में मैंने चर्चा की है, ठीक। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा और संविधान का पार्ट 2 आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि।